मुझे लगता है आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि बालों में केमिकल अप्लाई करवाने की सही एज क्या है। क्या आजकल देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों पे भी बालों पे केमिकल लगा दिया जाता है, तो क्या ये उनके बालों के लिए सही है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? सर स्वागत है आपका हमारे चैनल GHD हेयर सैलून पे। मेरा नाम है कनुप्रिया और मैं यहाँ पे आज गौरव भाटी सर का इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो आज हम इनसे कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस पुट करेंगे बालों के बारे में। तो आजकल जो हमारे डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में हम गौरव सर से थोड़ी बातचीत करेंगे। तो चलिए, स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आपका। तो सर पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो डेली रूटीन में हम देखते हैं कि आजकल बालों की डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है, दिन लोगों में ये समस्याएं बहुत आ रही कि हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाल घने नहीं हो पा रहे हैं, तरह तरह के शैम्पू यूज़ करने के बाद भी उनको इससे रिलीफ नहीं मिलता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये बताऊंगा आपको, हमारे जो बाल हैं ये एक प्लांट के नज़रिए से देखो इनको, जैसे अपने पेड़ पौधे होते हैं ना, उस नज़रिए से देखो आप। जिस ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा सूखापन आता है या जिस ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जहाँ पानी पानी रहता है, तो ऐसी दो कंडीशंस के अंदर वहाँ पौधा नहीं टिकता। इसी प्रकार जिस प्रकार अपनी स्कैल्प की स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है या ड्राइनेस है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ की डेंसिटी अपने आप कम होगी, क्योंकि वहाँ बाल टिकता ही नहीं है, बाल टूटेंगे वो, क्योंकि जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी बाल टूटेंगे। और इसी प्रकार उनको पूरा प्रोटेक्शन, पूरी मतलब कि उनका खुराक नहीं मिलेगा तो बाल पतले होंगे। तो सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या करें? तो मैं ये कहता हूँ, एक तो पानी बहुत ज़्यादा पियो जी। और हफ्ते में कम से कम लेडीज को, जेंट्स तो डेली वॉश करते ही करते हैं, लेडीज कम से कम हफ्ते में 3 बार वॉश जरूर करें जी। दूसरी बात, अच्छा शैम्पू और स्पा क्रीम यूज करो। अक्सर देखा जाता है कि कंडीशनर यूज करते हैं, कंडीशनर क्या है, चाहे कितनी भी सावधानी यूज करो, गलती से रूट्स के अंदर लगेगा तो बाल क्रैकनेस आएगी, क्योंकि वो ड्राइनेस देता है। लेकिन जो स्पा क्रीम है, जो मास्क है, वो अपने बालों में मॉइस्चर देता है, और मॉइस्चर देंगे तो बालों में लैक्सिसिटी बढ़ेगी तो वो बाल क्रैक नहीं होंगे। थैंक यू सर इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। सो गाइस देखिए, इसके बारे में हमें नॉर्मली नहीं पता था और ये शायद हमें कोई बताने वाला भी नहीं है, तो इसीलिए हम आज लेकर आए हैं इस वीडियो को आपके सामने। तो हो सके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमें सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। तो चलिए गाइस, हम एक और सर से क्वेश्चन पूछते हैं, शायद ये आप सभी के मन में होगा जो अपने बालों को लेकर थोड़ी केयरिंग रहती हैं उनके मन में। तो सर हम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या फ़र्क होता है? लोग कहते हैं हमें रिबॉन्डिंग करवानी है, कोई कहता है हमें स्मूथनिंग करवा, और अक्सर लोगों को इनके बारे में कोई डिफरेंस पता नहीं होता। देखिए क्या है, वैसे तो जनरली भाषा के अंदर आपको मैं एक सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूँ, हर चीज़ का टाइम टू टाइम उसका नाम बदलना पड़ता है। ये बिजनेस एक फंडा है, बिजनेस का फंडा है। सबसे पहले आई स्ट्रेटनिंग, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भी स्ट्रेटनिंग लिखा होता था। उसके बाद में आई रिबॉन्डिंग, उसके बाद में अब आ रहा है स्मूथनिंग। हाँ, उसके साथ साथ इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहा है समय के साथ जी। जो स्ट्रेटनिंग का जो केमिकल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, उसके बाद में रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग से सुधार किया, उसके बाद में जो रिबॉन्डिंग का केमिकल थोड़ा सुधार करके उसको स्मूथनिंग कर दिया। स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है कि रिबॉन्ड और स्ट्रेटनिंग के अंदर बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। सीधे का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो आइनिंग की जाती है उसका हीट 3 बार दिया जाएगा, या कम से कम 2 बार तो देंगे ही। तो उसके अंदर बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जैसे क्या है कि रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़े के अंदर सूती कपड़ा डालेंगे तो जैसे वो जलेगा, जितनी ज़्यादा करेंगे तो वो स्ट्रेट रहेगा,
लेकिन उसी के साथ साथ जैसे वो अगर बहुत ज्यादा जलेगा तो क्या होगा, सिलवटें सिलवटें आएंगी ना। तो उसी प्रकार अपने जो बाल हैं वे एक सिल्क है, इसको जितना ज्यादा इसको ड्राई करोगे वो क्रैकनेस तो आएगा ही आएगा ना। तो स्मूथनिंग क्या है, स्मूथनिंग के अंदर हल्के से वेव नजर आएंगे या बाउंस नजर आएगा। स्ट्रेटनिंग के अंदर बिल्कुल चिपके से बाल हो जाते थे पहले, रिबॉन्डिंग के अंदर हल्का बाउंस आता था, और अब स्मूथनिंग के अंदर क्या है, हल्का सा वेव नजर आएगा ताकि नेचुरलिटी नजर आए। और स्मूथनिंग का रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग से थोड़ा कम साइड इफेक्ट है। तो गाइस आपने देखा रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में क्या डिफरेंस होता है, अक्सर लोगों को इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि सर को इतनी नॉलेज आई कहाँ से, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि सर आपने ये कहाँ से सीखा, मतलब ये नॉलेज आपको कहाँ से मिली, कहीं आपने कहीं से कोर्स लिया, कहीं कोचिंग ली, या फिर आपके जो काम में क्लियरिटी है और लोग आपकी तारीफ करते, तो सर इसका मैं रीजन पूछना चाहूंगी आपसे। देखिए क्या है, हर कोई भी चीज है, कोई भी इंसान है, उसका जो अतीत होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, अगर वो चांदी की चम्मच लेके जन्म से पैदा होता है ना तो वो कुछ नहीं सीख के पाता। अगर उसने कठिनाइयां देखी हैं, मजबूरियां देखी हैं, तो उसको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो टकरे खा खा के वो अपने आप मतलब कुछ ना कुछ नया कुछ करने का सीखेगा। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जिस समय से रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग केमिकल आते ही नहीं थे। मैंने जब ब्लीच क्रीम भी नहीं आई थी मार्केट के अंदर, उस समय भी हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साबुन का चूरा मिला के उसको हम ब्लीच की तरह यूज करते थे, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स करते थे। तो इसी प्रकार जो भी केमिकल थे हमें अपने खुद के दम पर खुद के बलबूते पर तैयार करते थे और उसी से हम रिस्क ले लेके काम करते थे। आजकल तो क्या है, बहुत आसानी हो गई, प्रोडक्ट लिया लगाया और सभी को ये भी बताया इसके अंदर ये इतनी मात्रा का प्रोडक्ट है, इसके अंदर इतनी मात्रा का प्रोडक्ट है, कोई काम करना मुश्किल है ही नहीं। लेकिन मुश्किल उन दिनों में था जब प्रोडक्ट थे ही नहीं। वाओ, तो देखा गाइस सर ने अपने लेवल पे केमिकल को मिक्स कर करके सर ने ये काम यहाँ से शुरू किया है। तो सर आपको ये इंटरेस्ट कहाँ से बना, क्या बचपन से था या आपकी फैमिली में कोई ऐसा था, तो कैसे शुरू किया आपने? देखो मैं एक गरीब फैमिली से था और मेरे पापा मेरे दादाजी एक नाई का काम करते थे। आजकल क्या है, सैलून बन गए, पार्लर, ब्यूटीशियन, हेयर डिज़ाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट के नाम से कहते हैं, उस समय नाई कहते थे जो बालों का काम करते थे। तो उन दिनों में क्या होता था, मैं बचपन से ही जब मैं पढ़ता था, जब मैं 6th 7th के अंदर था, तब मैं पापा की दुकान पे आता था, देखता था। तो वहाँ क्या होता था, देसी लोग आते थे, वहीं कोई लोग बीड़ी पीते थे, जैसे मुँह आई बोल देते थे, बोलने का भी मैनर्स नहीं था। तो मैंने उन्हीं दिनों में ही मेरे दिमाग में चोट लगती थी, भाई एक सैलून वाले का क्या इम्प्रेशन है बाजार के अंदर, उस आदमी की क्या पर्सनैलिटी है। तो मैंने उन्हीं दिनों में से सोच लिया भाई मैंने कुछ करना जरूर है, लेकिन इसी काम के अंदर कुछ नए तरीके से करना है। हालांकि मुझे मेरे परिवार की कभी कोई सपोर्ट नहीं मिली, फिर भी अपने बलबूते के अपने दम पर मैंने अपने तरीके से काम किया और आज भगवान की दया से मैं अच्छी प्लेटफार्म पर पहुंच गया। और जैसे कि आप कह रहे हो भी लोग तारीफ करते हैं, वो तो ईश्वर की देन है। जी सर, वो तो मैंने भी सुना है भाई, लोग सर के नाम से चलता है ये पार्लर, तो बहुत दूर दूर तक नाम है सर का। सर ने बहुत सेमिनार भी किए हैं, तो यहाँ उन्होंने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जिस तरह से सर बता रहे हैं कि इन्होंने खुद ने मेहनत की और अपने बलबूते पे अपनी इस पार्लर को एक नाम दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें यही इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस सेक्शन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आजकल लड़कियाँ अपने बालों को लेकर बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, वो
कलर करवाती हैं, तरह तरह के कलर करवाती हैं जो ट्रेंड में है, जिन्हें हम हाईलाइट कह देते हैं, तो क्या ये हाईलाइट करवाना बालों के लिए सही है? इससे बाल खराब होते हैं? नहीं देखो, ऐसा है जैसे अपने बालों में क्या है कि एक बालों के मेलानिन नाम केमिकल से ये अपने बालों के अंदर कलर आए हैं, बॉडी के अंदर और बालों के अंदर मेलानिन से ही केमिकल जो है उसी से कलर आते हैं। और वो क्या होता है, जैसे अपने जैसे रात काली होती है, जैसे जैसे सूर्य आता है, सूरज की रोशनी आती है, तो वैसे वैसे उसका कलर लाइट होते होते दोपहर तक बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो उसी प्रकार अपने बालों के अंदर भी जैसे जैसे परतें उतारते रहेंगे तो वो बालों की पावर तो कम होगी ना, लेकिन उसके साथ साथ अगर बालों की परत के साथ उनके जो प्रोटेक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए जी। जैसे कि एक नंबर के बाल के ऊपर 9 तक लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट करने के साथ क्या होता है कि उसका पावर तो कम हुआ ही, ठीक है, आयनिंग प्रेसिंग सीरम हीट प्रोटेक्शन लगाने के बाद में जो वीडियो आज आती है उनमें देख के लोग कहते हैं, लड़कियां कहती हैं भी मैं बाल ऐसे करवा लूँ ऐसे करवा लूँ, लेकिन उनका ओरिजिनल जैसे कहते हैं ना जो फिल्म हीरोइंस होती हैं जो पर्दे पर जब आती है तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन जब नेचुरली लाइफ जब देखते हैं ना तो वैसी नहीं होती। तो इसी प्रकार ये हेयर का भी जो ऐसा सिस्टम है, जब इनकी वीडियोस दिखाई जाती है तो लाइटिंग होती है, अच्छे कैमरे अच्छे सब कुछ दिखाया के उनको अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन नेचुरलिटी के अंदर जब वो वॉश कर लेते हैं तो वैसी कुछ नहीं होता, उनका उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन उतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अगर आप केयर नहीं करते तो बाल तो डैमेज होने ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने बालों को हाईलाइट करवा सकते हैं लेकिन बहुत ही केयर के साथ, इसमें बालों के डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने देखा है कि लड़कियां अपने बालों में मेहंदी लगाती हैं, अपने पहले हमारी दादी माँ थी, नानी माँ थी, वो भी मेहंदी लगाती थी बालों में, कहते उनसे बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं, तो क्या ये रियलिटी है, उससे बाल सुंदर होते हैं, कोई बालों को नुकसान नहीं होता? तो यही लेके क्वेश्चन लेके हम चलते हैं सर की तरफ। तो सर, क्या मेहंदी लगाने से बाल खराब हो जाते हैं? और कई जो हेयर ड्रेसर हैं वो ये भी बोलते हैं कि मेहंदी से बाल डैमेज हो जाते हैं, और उनके बाद जो ड्राइनेस आती है वो किस वजह से आती है, मेहंदी में क्या होता है ऐसा? देखिए, शुरू के अंदर जब मैंने बात स्टार्ट की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई, एक बालों को एक प्लांट के नजरिए से देखो आप। अगर जैसे मेहंदी है, मेहंदी क्या है, अपने बालों के अंदर या बॉडी के अंदर, जैसे हाथों पर मेहंदी लगाते हैं ना, तो हाथों पर मेहंदी जब लगे होंगे, एक हाथ पे मेहंदी लगाओ दूसरे हाथ पे मत लगाओ, तो आप आराम से देख पाओगे जिस हाथ पे मेहंदी लगी है उस हाथ में ड्राइनेस होगी, दूसरे हाथ में मॉइस्चर होगा। इसी प्रकार बालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है, मेहंदी तीसरी लेयर मेडुला तक पहुंच जाती है, तो उसका जो असर है वो आप चाहे 5 साल हो चाहे 7 साल हो, उसका असर नहीं जाता जब तक नई ग्रोथ आएगी। तो नए ग्रोथ में भले ही मतलब कि नेचुरलिटी हो, लेकिन जहां मेहंदी लगी है उसका असर कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मेहंदी, हाँ ठीक है, मानते हैं जो पहले पूर्वज अपने लगाते थे मेहंदी, तो उसके साथ साथ वो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन भी देते थे, पहले जो खुराक खाते थे, दूध भी पीते थे, घी भी खाते थे, सब कुछ करते थे, और फ्रूट्स भी खाते थे, उस टाइम इतना केमिकल भी नहीं था, और आज केमिकल ही केमिकल है, बच्चा जन्म लेने से पहले दवाइयां खानी शुरू कर देता है और मरते दम तक दवाइयां खाते हैं। तो अब क्या है कि उस न्यूट्रिशन के चक्कर में ही, केमिकल के चक्कर में ही बाल तो ऑलरेडी पहले ही कमजोर है, ऊपर से अपने मेहंदी और लगा ली तो कमजोर तो होंगे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, मेहंदी बालों को ख़राब करती है, तो मेहंदी को जितना हो सके अवॉइड करें, मेहंदी बालों में ना लगाएं। तो चलिए, हम आज की वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो गई, लेकिन हम एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सर से पुट करना चाहेंगे, जो आज मुझे लगता है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कि बालों में केमिकल अप्लाई करवाने की सही एज क्या है? क्या
आजकल देखा जाता है छोटे छोटे बच्चों पे भी बालों पे केमिकल लगा दिया जाता है, तो क्या ये उनके बालों के लिए सही है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है सर? नहीं, मेरा नज़रिया ये है, मैं ये कहता हूँ बालों की उम्र कम से कम जो इंसान की उम्र है 15 साल से पहले केमिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्जन हेयर जो है, वर्जिनिटी जो है उसके बाद में ही आप करो, क्योंकि तब तक बाल भी कच्चे हैं, उम्र भी कच्ची है, स्किन भी कच्ची है। तो मैं नहीं कहता कि आप हाइपर केमिकल यूज़ करो। ठीक है, हेयर कट है, कभी कभार ड्रायर है, स्ट्रेटनिंग कर लेते हो, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप रिबॉन्डिंग हाईलाइट वगैरह करो, नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बालों में कोई भी केमिकल लगवाने की सही एज 15 से आगे है। छोटे बच्चों के बालों पे कभी केमिकल ना करवाएं, ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है, उन्हें किसी भी प्रकार की डिजीज भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सर हमारे स्टूडियो में आके और इतना सपोर्ट देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।